हाँ जी बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो प्रैक्टिस सेट चल रहा है बेटा। तो मास्टर कैडेट 2022 का ये क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट है बेटा। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं रिगार्डिंग दी प्रोवाइडेड क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज गिवन बाय ई इज इक्वल टू बी एस क्यूब डिवाइडेड बाय वी एन। तो हमारे पास जो एक रिलेशन दे रखा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल एनर्जी एंड एंट्रोपी का ये रिलेशन है, वेयर बी इज ए कॉन्स्टेंट एंड अदर सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू, हमें यहाँ पे टेम्परेचर पूछा गया है कि टेम्परेचर कितना होगा अगर इस रिलेशन से ड्राइव करोगे तो क्या निकलेगा। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए हमें थर्मोडायनेमिक्स रिलेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो मैंने आपको ऑलरेडी चार तरह के थर्मोडायनेमिक रिलेशन बता रखे हैं, 1, 2, 3 एंड 4। सारे की सारी स्टैट इन चार रिलेशन के आसपास ही घूमती है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है बेटा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हम हमारे पास क्या दे रखा हुआ है। एक तो इंटरनल एनर्जी का कंसेप्ट है यहाँ पे दे रखा हुआ है, दूसरा एंट्रोपी का कंसेप्ट दे रखा हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट रिलेशन के साथ ही जाएंगे। सेकंड रिलेशन में क्या होता है, एंथैल्पी है, तो एंथैल्पी के साथ नहीं जाएंगे। ना ही हमें गिब्स फ्री एनर्जी ना ही हमें फ्री एनर्जी के बारे में इन्फॉर्मेशन है, तो हम फर्स्ट रिलेशन के साथ ही जाएंगे। तो हमारे पास फर्स्ट रिलेशन क्या दे रखा हुआ है, टीडीएस इज इक्वल टू डीई। कोई इसको यू के साथ लिखता है, कोई ई के साथ लिखता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसे मर्जी रिलेशन को यूज कर सकते हो। टीडीएस इज इक्वल टू डीई प्लस पीडीवी माइनस म्यू डीएन के साथ हम यहाँ पे लिखते हैं। सो हमारे पास ये वाला रिलेशन है बेटा, इस रिलेशन को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो ये फर्स्ट वाला रिलेशन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या यूज करना है, इंटरनल एनर्जी एंड उसके साथ एंट्रोपी का रिलेशन यूज करना है। तो इन दोनों टर्म्स को हम साइड बाय साइड यूज करेंगे, बाकी सारे को क्या बोल देंगे, डीवी इज कांस्टेंट, तो डीवी को हम जीरो पुट कर देंगे। एंड नंबर ऑफ जो आपके सबसे सिस्टम है या नंबर ऑफ एटम्स है उसको भी हम यहाँ पे उसकी जो वेरिएशन है उसको जीरो पुट कर देंगे। तो मतलब डीवी वॉल्यूम चेंज भी जीरो हो गया और नंबर ऑफ वेरिएशन की नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो भी जीरो हो गए। तो डीएन इज जीरो एंड डीवी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पहले दोनों रिलेशन से क्या निकलेगा, टेम्परेचर विल बी इक्वल टू डीई बाय डीएस, रादर देन दैट हम यहाँ पे कर्ल ऑफ ई डिवाइड बाय कर्ल ऑफ एस निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट दी नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ये सिंपल सा रिलेशन है, जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर देखे हुए उनको ये चीज आसानी से पता चल गई होगी मैंने हमने कैसे अटेम्प्ट किया है। तो हमारे हमें क्या प्रोवाइड किया गया है, ई इज इक्वल टू बी इंटू एस क्यूब डिवाइड बाय बी इंटू एल। तो हमें सिंपल सा रिलेशन यूज करना है, इसका विद रिस्पेक्ट टू एंट्रोपी के साथ डेरिवेटिव लेना है और हमारा आंसर आपके सामने होगा। तो कर्ल ऑफ एस डिवाइडेड बाय कर्ल ऑफ ई डिवाइडेड बाय कर्ल ऑफ एस निकालेंगे। तो हमारे पास एस क्यूब का अगर डेरिवेटिव लोगे तो वहां पे क्या आ जाएगा, 3 इंटू एस स्क्वायर आ जाएगा। वॉल्यूम हमने कॉन्स्टेंट रखा है तो एस एच आ जाएगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने कॉन्स्टेंट रखे हैं तो वो भी हमारे पास एस एच ही आ जाएगा। बस इतना सा काम करना था। तो हमारे सामने जो रिजल्ट है वहां पे हमारे पास क्या बना, इट इज इक्वल टू टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या आ गया, 3B into S² डिवाइडेड बाय बी ऑफ एन, हमारे पास ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बन जाएगा। तो हम क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं कि हमारे पास ऑप्शन कौन कौन सी है। ये ऑप्शन गलत हो गया, करेक्ट ऑप्शन इज बी, सी भी गलत एंड डी भी गलत। तो अगर आपको कंसेप्ट के बारे में नॉलेज हो या बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो कि हम कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो आप इसको आसानी से विद इन 1 मिनट सॉल्व कर लोगे। तो अगर ये थर्मोडायनेमिक रिलेशन आप याद रखोगे तो काफी चीजें आसान हो जाएगी स्टार्ट के अंदर। तो ऐसे न्यूमेरिकल आपके लिए लेके आते रहेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।